ड्रीम इलेवन पे किन किन गलतियों के कारण रैंक नहीं आ पाती है, या फिर जो हम सोचते हैं रोज की आज ग्रैंडलिंग में रैंक वन हमारा आना चाहिए नहीं आ पाता है, तो आखिर क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम बार बार ग्रैंडलिंग जीतने से रह जाते हैं। तो आज उन इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको डील करेंगे और बताएंगे कि अगर ये पॉइंट्स को अगर आप रोक देते हैं ना तो ग्रैंडलिंग में आपको रैंक वन आने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि रैंक वन आना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि क्राउड बहुत बड़ा होता है। तो ये नहीं कि आज मैंने वीडियो बताया कल रैंक वन आ जाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने वाले हमारे लाखों में है और आप सोचते हैं कि उन लाखों में से रैंक वन हमें ही मिल जाए तो फिर कैसे होगा। जो लाखों लोग देखते हैं उन लाखों लोग में से कोई एक ही आदमी आ सकता है, एक ही बार में कोई एक बार में करोड़पति नहीं बन सकता है। और धीरे धीरे डे बाय डे सबकी बारी आएगी। जिस दिन थोड़ा सा रैंक वन आने के लिए जो गलती होती है उसको आप रोक देंगे और थोड़ा सा आपका लक काम कर जाएगा तो उस दिन आप रैंक वन आ ही जाएंगे। तो आखिर क्या क्या वो कॉमन मिस्टेक्स है जिसको कि जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ड्रीम इलेवन कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं। तो पहला जो आपका कॉमन मिस्टेक्स है, सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक्स क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना लोगों को डुबा देता है। आदमी को कभी भी किसी भी काम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और जो कि हम रोज करते हैं ड्रीम इलेवन में टीम लगाते समय क्या गलती करते हैं कि हम सोच से बहुत ऊपर सोच लेते हैं कि आज हमारा रैंक वन आना है और आज जो हमारा टीम होगा वो सबसे यूनिक होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं कि आज इन प्लेयर्स के अलावा दूसरा कोई प्लेयर्स चलेगा ही नहीं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जब ज्यादा लोगों को हो जाता है ना, और एक चीज कहा गया है कि जब अति होता है तो उसका अंत भी हो जाता है, मतलब जब लोग ज्यादा सोचने लगते हैं, ज्यादा समझदार बनने लगते हैं, दूसरे की बात नहीं समझते हैं, या फिर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं, सोचते हैं मैं जो हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बहुत मुश्किल का दौर आता है। जब मुश्किल का दौर आता है तो निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उस पर हमारा टारगेट है कि 3000 जैसे लोग आ जाएंगे 3000 के बाद हम उस पर मैथ्स रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे और साथ ही साथ आपको एक अच्छा सा टीम देंगे जिसपे भी आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो हर एक टीम होता है वो एनालिसिस किया हुआ होता है, आपको उसमें जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम से अब तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। चलिए अब बात करते हैं वीडियो में आगे। तो इन सब चीजों से निकलना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ऐसे प्लेयर पे ट्रस्ट करना है जिन पे लोग नहीं करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि भाई अगर विराट कोहली है तो विराट कोहली की जगह अगर दूसरा प्लेयर है तो भाई चलेगा ही नहीं, सिर्फ विराट कोहली चलेगा। हालांकि विराट कोहली को किंग कोहली कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि 10 मैच में 7 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन 3 तो ऐसे मैच होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो वो 3 मैच इंपॉर्टेंट होते हैं जीतने के लिए, क्योंकि हमें ग्रैंडलिंग एक बार जीतना है ना कि बार बार जीतना। अगर एक बार करोड़ रुपए जीत गए तो लाइफ सेट होगी, उसके बाद उन पैसे से जो चाहेंगे वो कर लेंगे, अगर दिमाग हो तो उन पैसे का उपयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ट्रस्ट, दैट मीन्स आप समझ ही रहे होंगे, ट्रस्ट मतलब बिलीफ, विश्वास करना। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे प्लेयर्स पे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे किसी खिलाड़ी पे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे पिच पे, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे पिच रिपोर्ट पे, तब तक आपके लिए जीत पाना मुश्किल है। क्योंकि कहा गया है कि जब तक लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे आगे बढ़ पाना मुश्किल है। क्योंकि इसलिए कहा गया है कि देखा जाता है कि अक्सर की जो साथ का काम होता है ना उसमें लोग बिलीव नहीं करते हैं एक दूसरे पर, ये जो बिलीव नहीं करने वाली परिस्थिति होती है ना लोगों को तोड़ के रख देती है। और ऐसा भी दिन आता है कि उन एक बिलीव ना करने की वजह से बहुत सारी विवादें होती है और लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ट्रस्ट, ड्रीम इलेवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि ड्रीम इलेवन पे कोई नहीं जीतता है, किस लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके आसपास में या फिर आप अभी तक ड्रीम इलेवन पे एक बार भी पैसा नहीं जीते हैं। तो आखिर कैसे आपके आसपास में लोग जीतेंगे, हमारे आसपास में तो बहुत सारे लोग ड्रीम इलेवन पे जीता हुआ है, लेकिन आप बताओ कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसका एरिया बहुत बड़ा है और इसमें टोटल 29-30 राज्य है। इन राज्यों में तीन या चार ऐसे राज्य है जिनमें कि ड्रीम इलेवन बैंड है, बाकी सभी राज्यों में ड्रीम इलेवन खेला जाता है। और एक एक राज्य की अगर बात की जाए ना तो 28 लाख 30 लाख का पॉपुलेशन है और एक राज्य में अगर एक रैंक वन आता है तो एक ही आदमी को 1 करोड़ मिलेगा। तो आप सोच लीजिए कि जब ड्रीम इलेवन पे लोग खेलने के लिए आते हैं तो एक एक जो बड़ा लीग होता है ग्रैंड लीग उसमें 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख 90 लाख यहां तक कि 1.5 करोड़ तक यूजर्स हो जाते हैं एक में, और उन 1.5 करोड़ यूजर्स में से किसी एक को रैंक वन पे आना है, मतलब कोई एक ही आदमी फर्स्ट रैंक या तो 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, उतना जीत के जाएगा, तो भाई सभी के सभी लोग फेल हो गए। तो ऐसे में आप सोचते हैं कि कोई नहीं जीतता, ऐसे क्यों सोच लेते हैं, जरूरी है कि आपके घर के बगल में जीतेगा, जरूरी है कि आप जीतेंगे, तभी जाकर के आपको ट्रस्ट होगा ड्रीम इलेवन पे। आप खेलते रहिए, जब समय पूरेगा, जब लक साथ देगा तो सब कुछ हो जाएगा।
एक कहावत कहा गया है कि समय से पहले भाग से ज्यादा ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलने वाला, फिर आप क्यों सोच लेते कि आज ही हमें सब कुछ मिलेगा। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो आप अपना कर्म करते जाइए, टीम लगाते जाइए और एक परफेक्ट टीम लगाइए ताकि आप जीत की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप टीम किस लिए लगाते हैं? आप सोचते हैं कि हम टीम लगाएंगे, अगर नहीं जीते तो हमारा 49 रुपया वापस आ जाए, और इस 49 रुपया को वापस करने के लिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं कि भाई हमें जीतना है या फिर हमें 49 रुपया वापस करना है। तो आप जो टीम लगाते हैं ना, वो जीतने के लिए नहीं लगाते हैं, आप पैसे वापस आने के लिए लगाते हैं कि हमने जितना लगाया है हमें उतना मिल जाए, हमारा लॉस ना हो। और यही चक्कर में आपका लॉस भी हो जाता है, क्योंकि जब आप बड़े प्लेयर्स पे दाव लगाते हैं ना, तो अक्सर देखा गया है कि अगर ड्रीम अगर 11 का 11 प्लेयर आपने बड़ा रखा है तो उसमें से 4 या 5 प्लेयर तो फ्लॉप जाएंगे जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। और जो 5 बड़े प्लेयर फ्लॉप होंगे जिनका कि सिलेक्शन सबके टीम में होता है, तो ऐसे में आपका पैसा वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंस को खत्म कर देना है, दूसरा ट्रस्ट करना है ड्रीम इलेवन पे, और अच्छे से सोचना है प्लेयर पे कि भाई जो बड़े प्लेयर्स है सिर्फ वही नहीं, जो छोटे प्लेयर्स है वो भी अच्छा खासा कर लेंगे अगर इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। ड्रीम इलेवन पे कोई भी ऐसा मैच नहीं जिसपे अनउलझे लोग खेलते हैं, मतलब जिनको नौसिखिया कहा जाता है, जो नौसिखिया होते हैं सबके सब सीखे हुए होते हैं और सबके सब किसी न किसी फॉर्मेट में, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, जो भी ट्रॉफी हो, जिस देश की जो ट्रॉफी हो, उसमें आगे बढ़ के ही इंटरनेशनल लेवल पे खेलने आता है। तो भाई जिनका सिलेक्शन कम है उन पर भी ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ड्रीम इलेवन पे प्लेयर का सिलेक्शन कैसे होता है, लोग जिनको जानते हैं उनका सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है, लोग जिनको नहीं जानते उनका सिलेक्शन कम हो जाता है। तो हमें लगता है जिनका सिलेक्शन कम है उनको कुछ आता ही नहीं है। तो भाई ये ड्रीम इलेवन या फिर बीसीसीआई नहीं ना कह रही है कि इस प्लेयर का सिलेक्शन कम है तो इसको कुछ नहीं आता है, बीसीसीआई ने तो अच्छे से अच्छा को ढूंढ करके अपनी टीम में डाला है, क्रिकेट में डाला है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देनी होगी। तीसरा जो पॉइंट आपका है वो क्राउड, क्राउड दैट मींस भीड़, भीड़। जब एक बहुत बड़ा भीड़ होता है ना, आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं और जब एग्जाम होता है तो एक एक एग्जाम में अगर 5,000 की वैकेंसी होती है तो 5-5, 10 लाख, 20 लाख लोग आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए। और हमारा जो एरिया होता है, अगर आप गांव से हैं तो 5 किलोमीटर तक के सभी लोगों को आप जानते होंगे, शहर से है तो 0.5 किलोमीटर के रेंज में सबको जानते होंगे। तो क्या होता है कि जब एग्जाम होता है, आपके आसपास में किसी एक को नौकरी मिलती है और 4 लोगों ने एग्जाम दिया होता है, तो आप क्या करते हैं कि उसका मिसाल देने लगते हैं कि वो जीत लिया हम लोग नहीं जीते, वो हुआ एग्जाम क्रैक कर लिया हम लोग नहीं किए हुए, या फिर किसी ने नहीं किया तो ब्लेम करने लगते हैं किसको, कमिटी को, बोर्ड को जो एग्जाम लेते हैं, कि सारा का सारा सेटिंग है, सारा सीट जो है ना पैसे पे बिक गया है क्राउड में। तो भाई वो सब कुछ नहीं है, वहां पे भीड़ है और उस भीड़ में से 5 लाख 25 लाख 50 लाख लोगों में से मात्र 5,000 लोगों को चुना जाएगा। अगर एवरेज निकाल के देखा जाए ना तो कितना हो गया, 5,000 लोगों के लिए, मतलब हर 5,000 लोगों में से किसी एक विद्यार्थी को चुना जाएगा और वो एक विद्यार्थी सबको फेल करके उस दौड़ से, उस रेस से सबको चीरते हुए आगे निकलेगा, तभी जाकर के वो निकल पाएगा। तो ये क्राउड है, ड्रीम इलेवन भी जस्ट लाइक है कि ड्रीम इलेवन पे एक एक कॉन्टेस्ट में 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक इंडिया की मैच, अगर आईपीएल जैसी मैच जब होने लगती है जो 3 महीने का सेशन होता है, तो उसमें एक एक मैच में 2-2 करोड़ का प्राइज होता है और एक एक मैच में 1.5 करोड़ लोग खेलते नजर आते हैं, उन 1.5 करोड़ में से किसी एक को ही विनर बनना है। तो ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ में रैंक 1 पे आना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना होगा, और सिर्फ मेहनत दिमाग नहीं, विश्वास, ट्रस्ट और उसके साथ साथ लक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस दिन आपकी टीम अच्छी हो जाएगी ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोकेगा। और मैं जब ड्रीम इलेवन पे खेलता हूं तो थोड़े पैसे मैंने भी जीते, लेकिन मैंने एक चीज एनालाइज किया है कि जब किस्मत खराब हो ना तो आप अच्छा से अच्छा टीम लगा लेंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब भी टीम लगाता हूं ना तो 7 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन को रखता हूं जिनका सिलेक्शन हाई होता है, 4 प्लेयर पे मैं दांव खेलता हूं जिनका कम सिलेक्शन होता है। 4 में से 2 प्लेयर तो अच्छा कर जाते हैं, 2 प्लेयर अच्छा करने से रहते हैं, और जिन बड़े सिलेक्शन वाले प्लेयर को रखता हूं ना वो लोग ज्यादातर फ्लॉप हो जाते हैं। जिस पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं कि लगातार मार रहा है, मैं देख रहा हूं 3 मैच में लगातार मारा और मैंने उस पे एक बार भी दांव नहीं लगाया कि आज मैं इसको कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना लूं, वो खिलाड़ी लगातार मार मार के सी और बीसी का पद पकड़ लेता है। लेकिन जिस दिन हम सोचते हैं ना कि जब लगातार मार ही लेता है तो आज 100% ये फिर से मारेगा और उस दिन मैंने उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया, उस दिन पता चलता है कि वो खिलाड़ी फेल हो गया। तो ये चीज बहुत बड़ा रीजन है, मतलब यहाँ पे क्या डिपेंड करता है कि आप टीम लगाते हैं वहां पे लक आपका साथ नहीं देता है। तो लक और नॉलेज दोनों फैक्टर है ड्रीम इलेवन पे टीम लगाने के लिए। अगर लक और नॉलेज की परसेंटेज की बात की जाए तो नॉलेज आपको कम चाहिए,
नॉलेज आपके पास अगर 50% भी है 40% भी है तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन आपका लक आपके साथ अगर है ना 50 या 60%, तो उस दिन ड्रीम इलेवन आपके साथ हो जाएगा, मतलब ड्रीम इलेवन का जो रैंक वन है वो आपका होना ही होना है। तो ये चीज है, क्राउड है 1.5 करोड़ के बीच में, अगर आगे निकलना है तो इसके लिए ये नहीं सोचना है कि भाई इतनी बड़ी भीड़ में खेल रहे हैं मैं नहीं जीता तो कोई नहीं जीता, ड्रीम इलेवन पे रोज कोई ना कोई लोग करोड़पति बन ही रहे, इसको समझना पड़ेगा। और इस क्राउड को चीरने के लिए आपको अलग अलग तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब इस क्राउड को चीरने के लिए अगर आप टीम से जीतना चाहते हैं तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा हर एक रिपोर्ट के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, प्लेयर रिपोर्ट के बारे में, मैच के बारे में, प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, यहां तक कि जो भी चीजें मैच से जुड़ी होती है उन इंपोर्टेंट चीजों को आपको समझना होगा, तब जाकर के आप रैंक वन पे आ जाएंगे। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है वो रॉन्ग सिलेक्शंस, मैंने कहा ना कि रॉन्ग सिलेक्शन गलत सिलेक्शंस क्या करते हैं भाई, हम लोग सिलेक्शन करने में प्लेयर का बहुत बड़ा सिलेक्शन करते हैं, और ये रॉन्ग सिलेक्शन जो है ना इसका फैक्टर कहीं ना कहीं, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट पे। तो जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया कि रॉन्ग सिलेक्शन, ये रॉन्ग सिलेक्शन होने का क्या कारण होता है, रॉन्ग सिलेक्शन होने का कारण होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ट्रस्ट इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर कि आप उन प्लेयर पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। जो कम सिलेक्शन के प्लेयर होते हैं आप उसकी तरफ झांकते भी नहीं है, जो कम सिलेक्शन के प्लेयर होते हैं आपके उसके बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ आप उन प्लेयर के बारे में सोचते हैं जिनका सिलेक्शन हाई होता है, मतलब 90%, 100%, मतलब 50% से ऊपर जिन प्लेयर का सिलेक्शन होता है सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, जिस वजह से आप जीतने से रह जाते हैं। और पता चलता है कि सोचा बहुत कुछ, मतलब खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहाड़ खोदेंगे जिस चीज के लिए खोदेंगे उसको निकालना है, उसको निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि एक बार पहाड़ खोद दिया तो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको बार बार पहाड़ खोदने पड़ेंगे, कई पहाड़ खोदने पड़ेंगे तब जाकर के आप उस चीजों को पा पाएंगे। तो मतलब ड्रीम इलेवन जस्ट लाइक है कि सिर्फ एक बार टीम लगाने से आप नहीं जीत पाएंगे, सिर्फ 10 मैच खेलने से आप नहीं जीत पाएंगे, आपको बार बार निरंतर प्रयास करना होगा। नॉलेज तो जरूरी है ही, साथ ही साथ लक भी चाहिए होगा। और ये जो आप रॉन्ग सिलेक्शन होता है ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस खत्म कर दीजिए, आप अपना ट्रस्ट बढ़ाना ज्यादा स्टार्ट कर दीजिए, या आप उन प्लेयर पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए जिन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जो 11 का टीम बनाते हैं, डीटी बनाते हैं, आप डीटी में 11 प्लेयर को लेते हैं, इन प्लेयर में आपको 6 या 7 प्लेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले होने चाहिए, मतलब जो बड़े सिलेक्शन वाले प्लेयर होते हैं जिनका लगातार परफॉर्मेंस होता है, और आपको कम से कम 3 या 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, और 3 और 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जिन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन 20% से नीचे होता है, मतलब 10% से ऊपर, 20% से नीचे, और कुछ एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जिसका सिलेक्शन 10% से नीचे है, तब जाकर के आप ड्रीम इलेवन पे अच्छा सा टीम बना पाएंगे और ग्रैंडलिंग जीत पाएंगे। और जब ऐसा आप करने लगेंगे ना, 2-3 प्लेयर पे आप सिलेक्शन करेंगे, तो बिलीव कीजिए दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो 10 मैच में से 4 मैच में आप हारेंगे जरूर, लेकिन 6 मैच आपका ऐसा होगा जिसपे आपने जितना अमाउंट लगाया उससे ज्यादा जीतेंगे, और थोड़ा सा लक ने साथ दिया ना तो ग्रैंडलिंग भी जीत जाएंगे। और उस दिन आप कहिएगा कि सर आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया, इतनी अच्छी बात अब तक कहां थे आप, अब क्यों नहीं बताए थे। दोस्तों आज के वीडियो में ये 4 इंपोर्टेंट जो मैंने बताया वो काफी इंपोर्टेंट है आपको समझने के लिए, सतर्क होने के लिए और ग्रैंडलिंग जीतने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।